गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आज सुबह सुबह का टाइम है और मैं किचन में नहीं हूँ, ना ही मैं नाश्ता बना रही हूँ। आज सुबह सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ ब्रश, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी और आज का जो भी सुबह का काम था वो सब माँ ही ने कर लिया था। झाड़ू भी लगा ली थी उसने और मुझे जगाया भी नहीं था, मैं लेट उठी थी। ब्रश करने के बाद मैं चली गई सीधा नहाने। फिर उसके बाद मैं किचन में आई तो माही ने चाय भी बना ली थी, इन लोगों ने चाय पी भी ली थी, मेरे लिए भी बनाई थी बट मैंने नहीं पी। नहाने के बाद मैंने पूजा की और पूजा करने के बाद फिर मैं सीधा आ गई थी किचन में, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था और मुझे कुछ खाने के लिए भी बनाना था। तो मैंने पहले अपने लिए चाय बनाई। चाय बनाने के साथ साथ मैं दोपहर के खाने की भी तैयारी कर रही थी। आज दोपहर के खाने में मैं बना रही थी खड़ी मसूर, तो उसे मुझे भिगोना था। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी थी और दूसरी तरफ मैं दाल भिगो रही थी, क्योंकि उसे भीगने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा पहले इसको भिगो देती हूँ, जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक ये भीग जाएगी। चाय भी मेरी बन चुकी है और मैं चाय छान लेती हूँ। ऊपर काम चल रहा है तो मुझे भैया लोग के लिए भी चाय निकालनी थी, तो सबसे पहले मैंने उन लोगों के लिए कप में चाय डाल दी और ऊपर भेज दी। उसके बाद मैंने चाय पी और इधर मैंने दाल के लिए पानी चढ़ा दिया था। मैं हमेशा पानी खौला के दाल बनाती हूँ, तो मैंने पानी में ही हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, नमक सब कुछ डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसमें धुली हुई दाल डाल दी। दाल बन जाने के बाद मैंने उसे फ्राई किया और हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद ये शाम का टाइम है, मेरा आज कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था तो मैंने सिमई बनाई थी, तो मैं सिमई भून रही हूँ। फ्रेंड्स, शाम का टाइम है ये, तो मैंने सोचा तो आप लोगों से थोड़ी बात कर ली जाए। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था, अच्छा था, क्योंकि आज मेरे दिन की शुरुआत ही अच्छी हुई थी और आज बच्चों की छुट्टी थी, तो इस वजह से मैं लेट उठी थी। क्योंकि जब बच्चों की छुट्टी होती है तो मैं लेट उठती हूँ, क्योंकि जब छुट्टी होती है तभी लेट तक सोने का, नींद पूरी करने का टाइम मिलता है। तो आज जब मैं सो के उठी थी तब मेरी बड़ी वाली बेटी पहले ही उठ चुकी थी और मैंने देखा कि उसने झाड़ू भी लगा ली और उसने मेरे लिए चाय भी बना ली। फिर उसने मुझे जगाया कि मम्मा चाय बन गई है, चाय पी लो चलके। तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ, मुझे ये लगा कि हाँ चलो बच्चे हैं, मेरे सहारे के लिए बच्चे हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ जब कोई अपने लिए करता है, खास करके जब बच्चे अपने लिए कुछ स्पेशल करते हैं तो अच्छा लगता है। तो इसलिए आज मेरा दिन काफ़ी अच्छा गया और मुझे अंदर से खुशी मिली कि हाँ चलो ठीक है, एक दिन तो मुझे आराम के लिए मिला। उसने ये सोचा कि हाँ चलो आज छुट्टी है तो मम्मा के लिए इतना कर देते हैं, तो मेरे लिए उतना ही बहुत था। इसलिए आज मुझे सुबह सुबह ही मेरा मूड अच्छा था और आप ब्लॉग में भी देखेंगे कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरे ब्लॉग की शुरुआत जो है वो किचन से ना हुई हो, बट आज का जो ब्लॉग है उसकी शुरुआत किचन से नहीं होगी, क्योंकि आज मुझे किचन में सुबह जाना नहीं पड़ा था। माही ने झाड़ू भी लगा ली थी और साथ चाय भी बना ली थी, बाबू को दूध भी दे दिया था और मुझे नहीं उठाया था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं यही बोलूँगी भगवान से कि भगवान मेरे बच्चों को ऐसे ही सद्बुद्धि दे जो वो मेरा सहारा बन सके। और अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।